हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे पाइथन शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए, अगर आपका सिंगल स्टेटमेंट होता है इफ एल्स में, तो आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एक सिंगल लाइन में आप उसे राइट अप कर सकते हैं पाइथन में। सो दिस कैन बी यूज टू राइट द इफ एल्स स्टेटमेंट इन अ सिंगल लाइन वेयर देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट इन बोथ इफ एंड एल्स ब्लॉक। केवल एक स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है दोनों if else स्टेटमेंट में। सो दैट टाइम यू कैन यूज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के लिए स्टेटमेंट व्हेन ट्रू, पहले आप ट्रू स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे, इफ के बाद आप कंडीशन यहाँ पर राइट अप करेंगे एंड एल्स स्टेटमेंट आप यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई इक्वल टू 10 आपने लिखा, प्रिंट ट्रू। अगर ये ट्रू कंडीशन है तो ट्रू स्टेटमेंट आप यहाँ पर राइट अप कर देंगे। इफ आई इज लेस देन 15 एंड अदरवाइज एल्स केस में आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सो कोड के थ्रू मैं आपको इस प्रॉपरली इसको समझाता हूँ। सो पाइथन आईडीएली हम लोग ओपन कर लेते हैं, फाइल, न्यू फाइल एंड फाइल सेव एस। इसमें शॉर्ट एंड डॉट पी वाई पाइथन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए, ए इक्वल टू मैंने 10 ले लिया। आपने 10 ले लिया है, इसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर प्रिंट करना है। प्रिंट के अंदर आपको जो भी प्रिंट करना है वो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ ए इज पॉजिटिव नंबर। देन आपने यहाँ पर कंडीशन लिखनी है आपकी, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो आपका पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, नहीं तो एल्स केस में आपका ये प्रिंट हो जाए, आपका प्रिंट। तो यहां पर आप लिख देंगे ए इज नेगेटिव नंबर। सो ये आपका कंप्लीट कोड यहां पर राइट अप हो जाएगा। सेव करेंगे आप इसको, रन करेंगे आप। सो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में ए इज पॉजिटिव नंबर आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, मीन्स एक सिंगल लाइन में आपको लिखना है। पहले आपका ट्रू स्टेटमेंट आ जाएगा, ट्रू के बाद आपकी कंडीशन चेक होगी यहाँ पर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो पहला स्टेटमेंट तो आपका प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो एल्स में आपका सेकेंड कंडीशन आपकी प्रिंट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर माइनस करते हैं, सेव आपने किया, रन करेंगे आप, तो ये ए इज नेगेटिव नंबर आपका प्रिंट कर रहा है। सेकंड कंडीशन आपने इसमें क्या कर दी, प्रिंट कर दी है। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है आपकी पाइथन में। शॉर्ट हैंड का मीनिंग है एक सिंगल लाइन में ही आप पूरा कोड क्या है राइट अप कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं आपका शॉर्ट हैंड। तो फर्स्ट आपका ट्रू स्टेटमेंट आता है, फिर इफ कंडीशन चेक करेगा एंड एल्स में आपका फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये होती है आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इन पाइथन। थैंक यू स्टूडेंट।